वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डाई हार्ड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 स्काईफाई शोज। नंबर 10 अपलोड। अपलोड एक अमेरिकन साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो कि क्रिएट की है ग्रेग डेनियल्स ने। सीरीज प्रीमियर हुई थी अमेजन प्राइम वीडियो मई 2020 में। सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है ह्यूमंस को जो कि अपलोड कर सकते हैं अपनी पसंदीदा वर्चुअल आफ्टर लाइफ में। जब एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नीथन ब्राउन की प्रीमेच्योरली डेथ हो जाती है उसके बाद अपलोड किया जाता है एक्सपेंसिव लेक व्यू में। इस सीरीज में कास्ट है रॉबी एमएल, एंडी एलो, एलेग्रा एडवर्ड एंड मेनी मोर। सो आई अंडरस्टैंड यू वर इन अ बैड प्लेस यस्टरडे। नंबर 9 काउंटरपार्ट। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग। काउंटरपार्ट एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है एज स्टारिंग जेके सिम्पसन। ये सीरीज क्रिएट की है जस्टिन मार्क्स ने। ये सीरीज पहली बार ब्रॉडकास्ट हुई थी प्रीमियम केबल नेटवर्क स्टार्स में। ये सीरीज 2 सीजन में डिवाइडेड है, ईच कंटेन 10 एपिसोड। ये सीरीज प्रीमियर हुई थी डिसम्बर 10, 2017 में एंड द लास्ट फाइनल एपिसोड वॉज एड ऑन फेब्रुवरी 17, 2009। हमारे नंबर 8 अल्टर्ड कार्बन। I was the richest man on several planets by the age of 74. The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness to a new body. Altered Carbon एक अमेरिकन साइबर टेलीविजन सीरीज है जो क्रिएट की है लिएटा कार्लो ग्रीडिस। ये सीरीज बेस है Altered Carbon 2002 बाय रिचर्ड के मॉर्गन के ऊपर। एक वर्ल्ड में जहाँ पे कॉन्सियसनेस एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में डाला जाता है, वहाँ पर टाकेशी जो कि एक फॉर्मल सोल्जर है वो एक इन्वेस्टिगेटर बनता है और फिर वो रीजन से रिहा होता है एक मर्डर को सॉल्व करने के लिए। इसकी पहली सीजन में 10 एपिसोड थे जो कि प्रीमियर हुए थे नेटफ्लिक्स पे। ये सीरीज ने जनरली पॉजिटिव रिव्यूज ऑन किए थे। हमारी नेक्स्ट सीरीज है Sense8। If you know what it means to be reborn. Sense8 एक अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। ये सीरीज क्रिएट की है लाना लिनी एंड जे माइकल ने। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन की मल्टीनेशनल असेंबल कास्ट है एल्म, वे, जिमी, टीना एंड मेनी मोर। द स्टोरी ऑफ Sense8 एक्सीलेंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है Sense8 यानी कि 8 स्ट्रेंजर की वैरायटी पे। हमारी नेक्स्ट सीरीज है द 100। 97 years ago, a nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. But fortunately, not everyone was on the ground. At the time, 12 space stations were in orbit and came together to form the Ark. For 3 generations, humans have survived up here. We've only dreamed of setting foot on the ground, breathing real air. But this is our reality. Prisoner 319, face the wall. द 100 एक अमेरिकन पोस्ट अपोकालिप्टिक साइंस फिक्शन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। 2014 में द CVW ने इसे स्टार्ट की थी और सितंबर 2020 में ये एंड हुई। इस सीरीज के डेवलपर है जेसन रॉथेनबर्ग। ये सीरीज बेस है एक यंग अडल्ट नोवेल द 100 पे। द 100 सीरीज फॉलो करती है पोस्ट अपोकालिप्टिक सर्वाइवर फ्रॉम स्पेस हैबिटेट द आर्क जो की पृथ्वी पर आता है एक सेंचुरी के बाद आफ्टर डिवास्टेटिंग न्यूक्लियर अपोकालिप्स। We're not alone. The 100. Hamari next series hai The Expanse. Endless blue skies and open water all the way to the horizon. The hell is she doing way out here? द एक्सपांस एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज है जो डेवलप की है मार्क एंड हॉक ने। ये सीरीज बेस है एक सीरीज ऑफ नोवेल्स द एक्सपांस बाय जेमी कोरी। ये सीरीज सेट है फ्यूचर में जहाँ पे ह्यूमैनिटी सोलर सिस्टम पर कॉलोनाइज्ड है। ये सीरीज फॉलो करती है 2 सेपरेट बैंड ऑफ प्रोटागोनिस्ट जो की डील करते हैं न्यूली डिस्कवर्ड एलियन टेक्नोलॉजी को। हमारी नेक्स्ट सीरीज है वेस्ट वर्ल्ड। I came back. You know, if I could stay right here with you, I would. Just sometimes I feel like the world out there is calling me. You're one of them, aren't you? You're not real. Bring yourself back online. Do you know where you are?
वेस्टवर्ल्ड एक अमेरिकन डिस्टोपियन साइंस फिक्शन वेस्टर्न टेलीविजन सीरीज है जो क्रिएट की है जोनाथन नोलन एंड लिसा जॉय ने। ये फिल्म बेस्ड है 1973 फिल्म वेस्टवर्ल्ड के ऊपर। ये फर्स्ट एड हुई थी 2016 HBO पर। इस सीरीज का प्लॉट स्टार्ट होता है वेस्टवर्ल्ड को, जो कि एक फ्रिक्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वर्ल्ड वेस्ट थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क पर। ये सीरीज एक वाइल्ड फैंटेसी को एक्सप्लोर करती है जहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ कंट्रोल होती है पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। So our creatures have been misbehaving. I think there may be something wrong with this world. हमारी नेक्स्ट सीरीज है डार्क। डार्क जर्मन साइंस फ्रिक्शनल थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जो क्रिएट की है बैरल एंड जांजे ने। इस सीरीज में 3 सीजन है। स्टोरी फॉलो करती है एक फ्रिक्शनल टाउन विंडर जर्मनी में, जहाँ पर एक बच्चा डिसअपीयर हो जाता है। फिर वो फॉलो करते हैं कनेक्शन, जो की अनअवेल है असिमेट्रिकल टाइम ट्रेवल कंस्पिरेसी के बारे में। डार्क डेब्यूटेड ऑन 4 December 2007। हमारी नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक मिरर। And only 15% open fire. Now what does that tell you? It tells me that that war would have been over a whole lot quicker if the military got its shit together. ब्लैक मिरर एक ब्रिटिश एनाथोलॉजी टेलीविजन सीरीज है जो क्रिएट की है चार्ली ब्रोकर ने। इसके सारे एपिसोड इंडिविजुअल है। इसके इंडिविजुअल एपिसोड एक्सप्लोर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ जोनरास एंड मोस्ट ऑफ सेट इन फ्यूचर डिस्टोपिया में, जहाँ पर स्काईफाई टेक्नोलॉजी है। इसके ज्यादातर एपिसोड मिस्टर ब्रुक ने लिखे है। देर आर 27 एपिसोड अक्रॉस 6 सीरीज एंड 1 एपिसोड इन एडिशन टू द इंटरेक्टिव फिल्म ब्लैक मिरर 2018। Fuck you! That's what boys have to do, is fuck you! What they're doing to you, whatever they've done to you, it's dangerous and we really have to go. Now, Cooper! Stranger Things एक अमेरिकन साइंस फ्रिक्शन हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। ये सीरीज क्रिएट की है डफर ब्रदर्स और नेटफ्लिक्स ने। ये सीरीज सेट है 1980s में। ये सीरीज मिक्स है इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स विद हॉरर एंड चाइल्ड लाइक सेंसिबिलिटी के साथ। सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन है।